दोस्तों, दुनिया में हमें कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, कुछ बहुत छोटे तो कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत जहरीले। दोस्तों, जानवर की कई प्रजातियां होती है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। कई लोगों को जानवरों से इतना प्यार होता है कि वो उनसे डरे बिना ही उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक है इस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे बड़े जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पानी में रहना पसंद करते हैं और इतने खतरनाक होते हैं कि कोई भी इंसान अगर इनके सामने आ जाए तो ये जानवर उसे चट से साफ कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। क्लोजल स्क्विड। दोस्तों, स्क्विड एक प्रकार का जलीय जीव है। आज इसके कई प्रजाति मिलते हैं, लेकिन क्लोजल स्क्विड सबसे बड़ा स्क्विड है और साथ ही ब्लू व्हेल के बाद इसे वर्तमान में इसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जानवर का दर्जा दिया गया है। इसकी लंबाई 12 से 14 मीटर यानी कि 39 से 46 फीट तक होता है और इसका वजन लगभग 750 किलो तक का होता है। इसकी शारीरिक संरचना थोड़ा अलग होती है। इसका शरीर गोल और लंबा बेलनाकार होता है और इसके सभी हाथ आपस में छोटे दांत के सहायता से जुड़े होते हैं। ब्लू व्हेल। दोस्तों, ब्लू व्हेल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है जो स्तनधारी जीव है। वर्तमान में इसे दुनिया के सबसे बड़े जानवर की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। इसकी लंबाई लगभग 30 मीटर यानी कि 98 फीट तक होती है और इसके वजन अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार 173,000 केजी टन दर्ज किया गया है, पर एवरेज वेट 140,000 केजी होता है। इसकी शारीरिक संरचना पतला और लंबा होता है और इसकी त्वचा नीले रंग के साथ अन्य रंगों के प्रभाव आसानी से नजर आ जाते हैं। ब्लू व्हेल की औसत लाइफ 80 से 100 साल होती है। इसकी प्रजाति को आप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में आसानी से देख सकते हैं। खारे पानी का मगरमच्छ। दोस्तों, इस जानवर से आप भली भांति परिचित होंगे। यह मगरमच्छ सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना रेंगने वाला जानवर है। यह 7 मीटर से अधिक लंबाई तक बढ़ सकता है और इसका वजन आधा टन तक हो सकता है। यह मगरमच्छ अधिकतर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ हिस्सों में नमक और खारे पानी के आसपास पाए जाते हैं। यह मगरमच्छ इतना बड़ा शिकारी कहा जाता है कि अगर एक बार इसने किसी को पकड़ लिया तो फिर उसे मौत ही नसीब होगी। इसके दांत सीधे नहीं होते हैं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से यह मगरमच्छ जिस भी जगह से शिकार को पकड़ता है वहां पर उसके दांत अंदर की तरफ धंस जाते हैं और मांस में फंस जाते हैं और शिकार इस मगरमच्छ की गिरफ्त से नहीं निकल पाता है और वो मर जाता है। लायनमैन जेलीफिश। दोस्तों, लायनमैन जेलीफिश समुद्र में सबसे लंबी प्राणी होने का दावा करती है। इसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से 120 फीट तक फैला हुआ हो सकता है। ये अलौकिक जीव जो अपने मनमोहक नारंगी और लाल रंग के लिए जाने जाते हैं समुद्र की धाराओं में खूबसूरती से बहते हैं। उनकी मनमोहक उपस्थिति के बावजूद इस जेलीफिश का सामना करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसके शरीर से काफी लंबे नुकीले पंख निकले होते हैं जो बिना सोचे समझे तैराकों को एक दर्दनाक जहरीला डंक देने में सक्षम होते हैं। जेलीफिश का आकार और अनुगामी तंबू उसके शरीर के लिए एक प्रभावी जाल के रूप में काम करते हैं जिसमें छोटी मछलियां, लवक और यहां तक कि अन्य जेलीफिश भी शामिल है। वे विशेष रूप से समुद्री मलबे के फंसने के प्रति संवेदनशील है जिससे कुछ क्षेत्रों में उनकी आबादी में गिरावट आ रही है। स्पर्म व्हेल। दोस्तों, स्पर्म व्हेल सबसे बड़े दांतेदार शिकारी और सबसे बड़े दांतेदार व्हेल के रूप में राज करती है जिसकी लंबाई लगभग 78.74 फीट है। बड़ी गहराई तक गोता लगाने की क्षमता के साथ ये शानदार जीव अपने पसंदीदा शिकार की तलाश में समुद्र की गहराई तक पहुंच सकते हैं। स्पर्म व्हेल अपने सिर में यूनिक स्पर्म अंग के लिए प्रसिद्ध है। इसी वजह से इस व्हेल का शिकार काफी होने लगा था क्योंकि इस व्हेल से काफी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए जाते थे जिस वजह से इन व्हेल की संख्या काफी कम हो गई है। जायंट स्क्विड। दोस्तों, पृथ्वी पर किसी भी जानवर की तुलना में सबसे बड़ी आंखें रखने वाला लगभग 10 इंच व्यास वाला विशाल स्क्विड समुद्र की सतह से हजारों फीट नीचे अपने अंधेरे और रहस्यमय निवास स्थान के लिए अच्छी तरह से कस्टमाइज है। इसकी आंखें संभवतः इसे बायोलुमिनेसेंट चमक और काली गहराई में शिकार की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम बनाती है, जबकि विशाल स्क्विड मायावी बना हुआ है और इसका अधिकांश व्यवहार एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक अभियानों से गहरे समुद्र में रहने वाले इस निवासी के बारे में बेहतर समझ पैदा हुई है। जैसे जैसे हम विशाल महासागर की गहराइयों का पता लगाना और अध्ययन करना जारी रखते हैं, इसके बारे में कोई ना कोई नई जानकारी सामने आ जाती है। जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। दोस्तों, पूरे उत्तरी प्रशांत महासागर में अलास्का से कैलिफोर्निया तक और जापान के उत्तर पूर्व में पाए जाने वाले विशाल ऑक्टोपस चट्टानी दरारों और गुफाओं में रहना पसंद करते हैं, जहां ये दिन के दौरान छिपने के लिए मांद बना सकते हैं और रात में शिकार करने के लिए निकल सकते हैं। भयानक शिकारियों के रूप में वे क्रस्टेशियंस, मोलस्क और छोटी मछलियों सहित कई समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। अपने आकार और उल्लेखनीय क्षमताओं के बावजूद गहराइयों के ये दिग्गज अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं क्योंकि आवास विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन उनके समुद्री पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इन विस्मयकारी प्राणियों के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास आवश्यक है जिससे भविष्य की पीढ़ियों को विशाल प्रशांत ऑक्टोपस की बुद्धिमत्ता और आश्चर्य पर विश्वास हो सके।
और फिश। दोस्तों और फिश अपनी लंबाई के लिए गहरे समुद्र की एक मायावी और रहस्यमय नागरिक के रूप में जानी जाती है। इसे रिबन फिश के रूप में भी जाना जाता है। और फिश को विज्ञान में ज्ञात सबसे लंबी हड्डी वाली मछली होने का खिताब प्राप्त है, जिसकी लंबाई 26.25 फीट तक है, जो आमतौर पर समुद्र में बहुत गहराई में रहता है, जो समुद्र की सतह से 3,300 फीट नीचे तक पहुँच जाता है। गहरे पानी में रहना इस मछली की प्राथमिकता है। ये मछली अक्सर अपना भोजन छोटी मछलियों को बनाती है। जापानी मकड़ी केकड़ा। दोस्तों जापानी मकड़ी केकड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्थोपोड है। ये जापान के प्रशांत तट के किनारे समुद्र तल पर रहता है। वे मुख्य रूप से रेतीले और चट्टानी महाद्वीपीय सेल्फ और ढलान पर पाए जाते हैं। जापानी मकड़ी केकड़े की लंबाई लगभग 13 फीट यानी 4 मीटर लंबे और लगभग 40 पाउंड यानी 16 से 20 किलोग्राम वजन के होते हैं। वे किसी भी केकड़े की तुलना में 100 वर्ष तक जीवित रहने वाला सबसे लंबा जीवन काल हो सकता है। नर मादाओं से बड़े होते हैं और उनके पंजे भी बड़े होते हैं। जब वयस्क केकड़े अंडे देने के लिए तैयार होते हैं तो वे लगभग 160 फीट यानी 50 मीटर गहरे उथले पानी में चले जाते हैं। जापानी मकड़ी केकड़े का जापानी नाम ताकाहाशी गनी है। बेस्किंग शार्क। दोस्तों बेस्किंग शार्क वेल शार्क के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीवित शार्क और मछली है। ये 11 मीटर यानी 36 फीट तक लंबी हो सकती है और 3.9 मेट्रिक टन तक वजन हो सकती है। बेस्किंग शार्क दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय पानी में पाई जा सकती है। वे अपना अधिकतर समय सतह से 500 मीटर यानी 1640 फीट की गहराई पर बिताते हैं। बेस्किंग शार्क लवक खाने वाले 3 शार्क प्रजातियों में से एक है। वे अपने विशाल मुंह का उपयोग पानी से क्रिल और प्लवक जैसे भोजन को छानने के लिए करते हैं। ये शार्क देखने में इतनी भयानक लगती है कि कमजोर दिल वाला इंसान इसे देखकर ही मर जाए। ये एकमात्र शार्क ऐसी है जो कि मनुष्य के लिए काल है। इसे समुद्र में और आसपास के इलाकों में इंसानों की महक लग जाए तो उसे खाए बिना नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों ये थे कुछ पानी में रहने वाले बड़े जानवर। इनमें से आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।